शुक्रिया। पश्चिम बंगाल के एक गुमनाम से गांव के एक मामूली सी परिवार की महिला ने बैंकॉक में भारतीय ध्वज को दो दो बार ऊपर उठाया, उसका गौरव बढ़ाया। इस महिला यानी ज्योतिर्मय सिकदर के प्रदर्शन से पूरा देश रोमांचित है और जाहिर है सुबह सवेरे इस रोमांच से कैसे बच सकता था। इसलिए आइए बात करते हैं भारतीय एथलेटिक्स की इस नई उड़न परी यानी ज्योतिर्मय सिकदर से। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है सिकदर जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप अकेली महिला हैं जिन्होंने इस बार दो दो स्वर्ण पदक जीते हैं, एक कांस्य पदक जीता है। कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि इंडिया में जो एशियन गेम्स चल रहे थे, इंडिया का कोई गोल्ड मेडल नहीं था, तब देखा था मैं नेपाल पाकिस्तान का लिस्ट में नाम आ गया था। तब हम सोच रहे थे हमारा कॉम्पिटिशन जल्दी से जल्दी आ जाए तो मैं अच्छा करके हमारा इंडिया का नाम लिस्ट में आ जाए। जब मैं पहले गोल्ड मेडल लिया था इंडिया का, उधर का इंडियन वगैरह हमारा जो बहुत ही खुश हुआ था, तो मेरे को भी बहुत ही खुश लगा। जब आप यहाँ से एशियाड में हिस्सा लेने जा रही थी तब आपके दिमाग में था कि आप इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगी, दो दो स्वर्ण पदक जीतेंगी? जैसे जाने के पहले हमारा जो कंपटीशन हुआ था, मेरा परफॉर्मेंस एक एक कंपटीशन में बहुत ही अच्छा हो रहा था, लेकिन मैं सोचा था जैसे जितना टाइमिंग था उतना टाइमिंग में आने से मेडल मिलेगा। मैं इतना नहीं सोचा था गोल्ड मेडल सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए सोचा था। सिकदर जी, आप बहुत छोटे से गांव से निकलकर और बैंकॉक तक पहुंची, स्वर्ण पदक जीता, थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने इतना रास्ता तय किया, इतना लंबा फासला कैसे तय किया? क्योंकि हमारा फैमिली में थोड़ा रिवाजी था स्पोर्ट्स का, फादर वगैरह दीदी लोग, तो मैं गांव में तो लड़की तो स्पोर्ट्स करने से तो अच्छा नहीं मानता है, फिर भी मैं बहुत जिद्दी थी, ऐसे स्कूल का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते रहता था। ऐसे करते मैं नेशनल तक पहुँच गया था। उसके बाद गाँव का जैसे एक कोच था सत्यरंजन राय, उसने मेरे को गांव से लेके आया था, कलकत्ता से थोड़ा दूर में, तो उधर आके उनका एक स्टूडेंट का पूर्वी दास का घर पे मेरे को रखा था, उधर में ट्रेनिंग किया था। जैसे उनके पास ट्रेनिंग किया मैं 6 महीना, वो भी मैं 12 क्लास पास करने के बाद, बहुत लेट में शुरू किया। तो ये बताइए सिकदर जी कि आप जबकि आप इतने सारे पदक जीत कर लौटी हैं और आपकी वाहवाही हो रही है, उस समय और जब आप जा रही थी एशियाड, उसके पहले की स्थिति में क्या फर्क है? नहीं, जाने का पहले तो ऐसे नहीं था, जैसे अभी लेके आया तो अभी तो सभी खुश है, सभी दे रहे, पहले नहीं था। अब आपका क्या सपना है? अभी हम जैसे 2000 ओलंपिक के लिए सोच रहे कुछ अच्छा करने के लिए। क्या तैयारी करेंगे उसके लिए? अभी देखेगा जे थोड़ा बाहर जाके ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि बाहर उनका स्टैंडर्ड हमसे बहुत ही अच्छा है, उनका साथ ट्रेनिंग करना कंपटीशन करना तो ऑटोमेटिक हमारा टाइमिंग इम्प्रूव हो जाएगा। आप एक गांव की छोटे से परिवार, साधारण से परिवार की एक महिला हैं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे सैकड़ों गांव होंगे, बहुत सी लड़कियाँ सोचती होंगी मैं भी आपके जैसा करूँ, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगी आप? मैं वही जैसे छोटा छोटा बच्चा लोग अभी हमारा गांव का भी उन्होंने भी शायद मेरे को टीवी में पेपर में देख रहा है, तो उनको भी सोचना चाहिए जे हम भी जैसे ज्योति दीदी जैसे बांध के दिखाओ तो हमारा भी टीवी में पेपर में आएगा। तो हम उन लोगों को बोलना चाहता है जे उन्होंने भी कोई एम बना के रखे तो और सरकार से बंगाल से उनको फैसिलिटी दिया जाए तो उन्होंने भी अच्छा कर सकते हैं। सिकदर जी, आपको ओलंपिक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और बड़े बड़े अच्छे स्वर्ण पदक जीत कर लौटें और देश का नाम रोशन करें।